देशरे वृद्धि पाउथिबा कोरोना आक्रांतक संख्या और कोरोना भयावहता को नजर रखी कोरोना कबलर लोकमानक सुरक्षा देबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिन पाई लॉकडाउन घोषणा करथिले। तबे ही लॉकडाउन जोगु एबे अनेक लोक अनेक प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउथबा देखिबा को मिलछि। किछि दूरस्थर थिबा व्यक्ति निज परिवार को फेरि पारु नाहंती तो आउ किछि असहाय को मिलि पारु नि खाद्य तो आउ केउठी लॉकडाउन भयरे आवश्यक सामग्री मध्य किणिबाकु बाहर को बाहरिबाकु डरुछंती तो आउ केउ स्थान रे कोला बजारिंग को पादुर्भाव मध्य वृद्धि पाउथुबा देखिबा को मिलछि। तेनु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे लोकमानकु कोरोना सतर्कता वार्ता देबा सहित लॉकडाउन जोगु जनसाधारण सम्मुखीन होतबा विभिन्न असुविधा पई क्षमा मागिछंती। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है कठिनाई हुई है इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया।